हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सटेंड ऑफ लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने कोर्स लॉन्च किया है। ये वीडियो उस कोर्स की वीडियोस का एक छोटा सा पार्ट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन टर्म एक फ्रेंच टर्म है, जिसका मतलब है एक स्टेट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड लॉज। स्टेट का स्ट्रक्चर यानी कि सॉवरेन अथॉरिटी, लाइक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसे कॉन्सिस्ट कैसे किया जाता है, लाइक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस कैसे बनते हैं, टेन्योर क्या रहता है, एक्सेट्रा। इनकी पावर्स, फंक्शंस और इन पावर्स एंड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए क्या ड्यू प्रोसीजर है। तो इनसे रिलेटेड लॉज, साथ में सिटीजन्स, एक कंट्री के सिटीजन्स किसे कहा जाएगा और इन सिटीजन्स के राइट्स क्या रहेंगे। राइट्स यहाँ पे ऑर्डिनरी राइट्स की बात नहीं हो रही है, ये वही राइट्स जो एक स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जैसे कि लॉज जो इन दोनों इश्यूज को एड्रेस करते हो, उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे लॉ ऑफ द लैंड भी बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, एक रिटन फॉर्म में, एक अनरिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म का एग्जांपल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सॉवरेन अथॉरिटी यानी कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स टाइम टू टाइम ऑर्डिनरी लॉज प्रोवाइड करती है, ऑर्डिनरी लॉज पास करती है। एंड सॉवरेन अथॉरिटी को खुद गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड ऑर्डिनरी लॉज में, दोनों में एक हायरार्की एस्टैब्लिश हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉज को पास किया जाता है बाय द सॉवरेन अथॉरिटी एंड सॉवरेन अथॉरिटी को खुद गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अनरिटन फॉर्म का एग्जांपल है यूके, जहाँ पे वहाँ की सॉवरेन अथॉरिटी के थ्रू जो पास किए गए लॉज है, जो भी ऑर्डिनरी लॉज को पास किया जाता है, वहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, उस स्टेट के, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई हायरार्की एस्टैब्लिश नहीं होती है। दोनों के बीच में कोई हायरार्की नहीं होती है। इवन ऑर्डिनरी लॉ से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, पर इंडिया में ऑर्डिनरी लॉ से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉवरेन अथॉरिटी ऑर्डिनरी लॉज को पास और उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। इस वीडियो में हमने दो चीज़ कवर की। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड सेकेंड इसके काइंड्स। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो।